नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि जो मेरी YouTube की जर्नी है पिछले 10 ईयर्स की, उसमें क्या वीडियो बनाए, कैसे वीडियो बनाता रहा, और जो परिवर्तन आया, शारीरिक का जो परिवर्तन है वो कितना है, ये आपको मैं दिखाऊंगा इन वीडियोज़ के थ्रू। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये मेरी दूसरी वीडियो उसी सीरीज की, और यहाँ कंपेयर कर सकते हैं आप साउंड के साथ भी और साउंड के बिना भी। देखते हैं कि क्या अफेक्ट आएगा। जी, सो व्हाट आर दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स? एक और वीडियो, और इस वीडियो में ये 2017 के आसपास की है, आवाज़ सुन के देखते हैं। पॉसिबल टू कंप्लीट दी वर्क? सो एक आदमी को अपनी लाइफ में काम करते हुए नेक्स्ट वीडियो, और ये 8 साल पुरानी है, इसकी भी आवाज़ सुन करके देखते हैं। हाँ जी, एन एक्शन बेसिकली ऑफ द बॉडी इन जनरल। पेस शुरू सो से ही कम रहा है, बहुत द स्लो बोल फर्स्ट रहे हैं। पॉइंट, इफ सपोज नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ही सबसे पहले इस वीडियो की आवाज़ और स्टाइल कैसे बोला गया और क्या बोला गया, ये भी 8 साल पुरानी वीडियो है। लाइक दिस वन। इसमें ये बता रहा हूँ कि भाई सुबह उठ करके हाथ कैसे देखना चाहिए। तो हथेलियों को अपनी ओर करके ये वीडियो रहा, और नेक्स्ट जो वीडियो आया वो ये भी इसी के साथ का था। एक वीडियो ये भी मिला है, ये भी 8 साल पुराना है, और ये योगा मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में है। तो देखता हूँ, सुनते हैं क्या बोल रहा हूँ। योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। योग का ये 21 जून 2015 की है। सामान्य व्यक्ति के जीवन से लेके विशेष व्यक्ति के जीवन तक एक महत्वपूर्ण योगदान है। योग के द्वारा तो बाबा जी यहाँ पर योग के बारे में बता रहे हैं। एक ये बड़ी, ये भी 7 साल पुरानी है, 7 ईयर्स ओल्ड, और ये सक्सेस मंत्रा बता रहे हैं यहाँ पर जो है द रिजल्ट फॉर इज दी स्टूडेंट्स। नॉट सुटेबल टू देम, दैट दिस टाइम दे विल वर्क सो हार्ड एंड विल गेट मैक्सिमम मार्क्स एज दे एक्सपेक्ट। कितने एंड एवरी टाइम व्हाट हैपन्स व्हेन दे डिटरमाइन लोगों दैट ने दे विल देखा गेट दी कितना इसका इम्पैक्ट मैक्सिमम पड़ा, मार्क्स नेक्स्ट तो ये टाइम, सवाल तो नहीं है मेरे लिए, इट रिमेन्स एवरी लेकिन यह टाइम है कि नेक्स्ट जब भी टाइम। कोई माइंड में विचार आया मैंने उसको जरूर रखा है। लेट्स सी नेक्स्ट वन। और इस वीडियो में जो है मेंटर की इम्पोर्टेंस, ये भी 7 साल पुरानी उसका है। रीजन क्या है? उसकी रीजन को अगर हम लोग देखते हैं तो समटाइम्स व्हाट हैपन की प्रॉब्लम्स इन टू द फैमिली और समटाइम्स प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप विद द फ्रेंड्स। उसका रीजन क्या है कि फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम है? और ये वीडियो थी कि स्टूडेंट्स को मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, कई बार स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उस रेफरेंस में था। ओके नेक्स्ट। सो द फर्स्ट रिलेशनशिप ऑफ द स्टूडेंट इज विद द टीचर एंड दैट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड यू कैन सी दैट रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट। और इस वीडियो में एक्चुअली ये मेंटर की इम्पोर्टेंस ही बताई थी, और कैसे रिलेशनशिप डेवलप होती है एक टीचर के बीच में और एक स्टूडेंट के बीच में, तो उससे रिलेटेड था। कुछ और सुन करके देखते हैं सर क्या बोल रहे हैं। ये भी 7 साल, 7 ईयर्स ओल्ड वीडियो है। द पॉइंट इज दैट स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग वेल, द रिलेशनशिप इज गुड, बट इफ समहाउ दिस स्टूडेंट लूज द कनेक्शन
क्रेडिट दिस रिलेशनशिप बेसिकली लिटिल बिट यू कैन से चेंज द। सर बता रहे हैं कि अगर बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी तो स्टूडेंट का रिलेशनशिप उसके साथ में चेंज हो जाएगा। ओके नेक्स्ट वीडियो। ये भी 7 ईयर्स ओल्ड वीडियो है और ये बड़े एक अच्छे टॉपिक पर अपनी साइड से मैंने बनाया था कि व्हाई डू सम पीपल फेल इन देयर लाइफ। सुनकर देखते हैं सर क्या बोल रहे हैं। एग्जीक्यूट देयर क्रिएटिव आइडियाज। हियर आई विल फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। नो डाउट दैट कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ देम इज द इम्पोर्टेंट पार्ट टू टेक द इनिशिएटिव और एग्जीक्यूट एनीथिंग बट हाउ दिस कॉन्फिडेंस कम्स दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या सर ने बोला है। ओके ये भी 7 ईयर्स ओल्ड वीडियो है और इसमें सर बता रहे हैं कि कैसे किसी स्टूडेंट को अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। लेट्स सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। यू नो दैट सेशनल टेस्ट्स कंडक्ट बिफोर द एनुअल एग्जामिनेशंस इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। सो हाउ टू प्रिपेयर अबाउट द। सर स्टार्टिंग से बड़े सीरियस रहे, कभी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई और जब भी वीडियो बनाते रहे तो बड़े सीरियस मोड में बनाया, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि चेहरे पे कभी मुस्कुराहट आई हो। तो बड़ा सीरियस वे में बताया लेकिन इस गंभीरता का कोई परिणाम निकला नहीं है। एंड द वेटेज ऑफ द पर्टिकुलर यूनिट्स राइट सेकंड टाइम द। ओके देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके ये भी 7 ईयर्स ओल्ड है और सर इसमें बता रहे हैं कि अफेक्टिव जो कंसंट्रेशन है उसके क्या टिप्स हैं फॉर द स्टडी पर्पस। व्हेन आई ट्राई टू फोकस ऑन माय स्टडी आई लूज माय कंसंट्रेशन द रीजन इज आई पेस जो रहा ना बोलने का वो सर का स्टार्टिंग से वैसे ही रहा, बड़ा स्लो रहा। अगर किसी को वीडियो देखनी भी है तो वो स्पीड बढ़ा करके देख ले और जो पुरानी वीडियो है तो कई बार तो एक वीडियो में मैं देख रहा था वो बच्चों के लिए टॉपिक था मैथ का, उसमें पेरेंट्स लिखते हैं कि भाई बच्चे सुनते सुनते सो गए हैं। और एक नई और वीडियो इसमें इम्पोर्टेंस जो है वो सेल्फ मोटिवेशन की और ये भी 7 ईयर्स ओल्ड, मतलब आज के टाइम से ये जो है 7 ईयर्स ओल्ड जो है वीडियो थी जब ये शूट किया होगा। तो सुनते हैं सर क्या बोल रहे हैं। मेनी टाइम्स वी थिंक्स इन दिस वे मेरा ये मन करता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ काम करूं, मुझको टाइम नहीं मिलता या फिर मैं उतना मोटिवेट नहीं हूं जितना कि सेकंड पर्सन है। सर इसमें बड़ी लंबी धीरे धीरे बोल करके ऐसे ही ऑडियंस को सुला देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं उसमें कहां तक क्या बदलाव आया है। और ये बड़ी ही अजीबोगरीब सर्कल के साथ में सर हैं अभी और ये हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो लेट्स लिसन क्या सर क्या बोल रहे हैं। ए क्लियर कंसेप्ट अबाउट द हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट इनटू द क्लासरूम। ये भी 7 ईयर्स ओल्ड। इन जनरल वी हैव टू चेक इट बेसिकली बीइंग ए स्टूडेंट्स दैट व्हाट द हैबिट्स वी हैव नॉट ओनली इन क्लासरूम। बहुत परिवर्तन आया है चेहरे पे और एक ये नए स्टाइल के साथ में मुझको याद आ रहा है कि ये पीछे रजाई थी और ये सर्दियों के टाइम था और बैकग्राउंड में शायद आई डोंट नो कि क्या कर्टेन है कि कोई ये पोस्टर टाइप का था।
बैकग्राउंड के लिए उस टाइम पे ग्रीन स्क्रीन, शायद 7 ईयर्स ओल्ड है तो ग्रीन स्क्रीन का एक्सपेरिमेंट शायद कोई करना था, तो उसके लिए ये एक जो पोस्टर टाइप का है वो रखा था शायद। सुनते हैं कि जो बेस्ट टाइम है वो स्टडी का कॉलेज लाइफ में वो कौन सा है। मार्क्स, बट व्हाट द गुड स्टूडेंट्स डू, व्हाट द कॉमन पैरामीटर इज दैट फ्रॉम दैट विच आई हैव ऑब्जर्व, व्हाट द नंबर वन, द गुड स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ द गुड स्टूडेंट्स हु अचीव गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट पॉइंट आई एम टेलिंग यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर द फिनिशिंग द क्लास दे जस्ट टेक सम रेस्ट एंड देन आफ्टर दे स्टार्ट देयर स्टडी फॉर यहाँ सर ने कोई एक्चुअली सर्वे किया था 600-700 स्टूडेंट्स को लेकर के, और उसमें ये आइडिया कंक्लूड किया था। देखते हैं नेक्स्ट। इसमें सर जो बता रहे हैं वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं, तो लेट्स सी कि क्या स्टाइल का टुडे है। आई विल डिस्क्राइब इट क्लियरली दैट इन कॉलेज लाइफ बेसिकली द बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी इज द इवनिंग टाइम. आई हैव ऑलरेडी सेड इट दैट द टाइम ऑफ स्टडी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट ऑन एवरेज इसमें कंक्लूजन ये था कि जैसे ही क्लासेस ख़त्म होते हैं उसके बाद स्टूडेंट कुछ रेस्ट करते हैं, और रेस्ट करने के बाद में वो फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और डिनर तक स्टार्ट मतलब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद में फिर रेस्ट करते हैं, फिर अगेन वो स्टडी करने लगते हैं। तो जो हॉस्टल लाइफ थी उसमें ये ऑब्जर्वेशन था। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं और सर जी का इम्प्रेशन कि कितना चेंज हुआ है। ये कुछ यहाँ पर 5 एक्शंस की बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए जो क्या 5 एक्शंस हैं, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बड़ा उस टाइम पे मेरा इंटरेस्ट होता था, और ये भी 7 ईयर्स ओल्ड वीडियो है। इज इक्वलेंट टू दी बैटल फील्ड, क्लासरूम इज योर ट्रेनिंग फील्ड, स्टूडेंट्स आर इक्वलेंट टू दी सोल्जर्स, इक्विपमेंट्स ऑफ दी सोल्जर्स आर स्टडी टूल्स, क्वेश्चन पेपर इज अटैक बाई दी एनिमी कंट्री. तो सर का ये प्रपोजल तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन जो एनालॉजी बनाई थी वो किसी बैटलफील्ड से बनाई थी स्टूडेंट की। और वो नोट्स अगर तैयार नहीं रखते हैं, उनके पास में बुक्स नहीं हैं, तो जो एग्ज़ाम टाइम होगा उस टाइम पे उनको क्या प्रॉब्लम होगी। तो इससे रिलेटेड ये कुछ था। ये भी 7 ईयर्स ओल्ड एक्चुअली ये सेल्फ हेल्प से रिलेटेड वीडियोस थी जो मैं क्रिएट करता था। और यहाँ सर सूर्य नमस्कार करते हुए, जहाँ अभी मैंने घर बनाया हुआ है ये उस जगह थी, ये भी ऑलमोस्ट 7 ईयर्स ओल्ड है। तो अब तो यहाँ पर काफ़ी घर बन चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन उस टाइम का ये योगा पोस्चर है। और इस वीडियो को तो देख करके खुद मैं ही डर रहा हूँ अभी कि क्या बात की होगी और कैसे की होगी। इंट्रैक्शन इन वर्चुअल एंड रियल एनवायरनमेंट विद लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड इट्स इम्पैक्ट। तो देखते हैं बाबा जी क्या बोल रहे हैं। That is the third one. That is the digital environment in which one can combine these two real and virtual environment. And then after. एक चीज मुझको समझ नहीं आई पिछले 7-8 ईयर से कि इतना सीरियस फेस को कौन देखता होगा, और चेहरे पे कोई स्माइल नहीं है, चेहरे पे कोई हंसी नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो मैं खुद मतलब हैरान हूँ जब मैं अब ये सारी पुरानी वीडियो देख रहा हूँ कि यार ये कैसे इसको मतलब एक्सेप्ट किया, इस फेस को भी एक्सेप्ट किया है। मतलब आई एम सरप्राइज कि भाई चेहरे पे कोई एक स्माइल नहीं आती थी, चेहरे पे कोई एक सीरियस मतलब नेस जो है, और अभी भी होगी लेकिन कंपेरेटिवली जब मैं देखता हूँ तो मैं खुद सरप्राइज हूँ। देखिए क्या बोल रहे हैं सर। ट्रेनिंग दैट इज द रियल वर्ल्ड. ओहो
दैट इज द रियल वर्ल्ड. ओके, सो नो प्रॉब्लम. आई एम कंबाइनिंग दीज टू वर्चुअल एंड रियल वर्ल्ड एंड मेकिंग द थर्ड वन. इसके देखते हैं, अब ये भी 6 ईयर ओल्ड है. हाउ टू मेक माइंड काम, मतलब थॉटलेस कैसे रखें, ऐसी सेल्फ हेल्प से रिलेटेड वीडियो थी. देखते हैं सर क्या बोल रहे हैं. विचारों को बहने से या चलने से अपने माइंड के अंदर कैसे रोक सकते हैं, और जैसे ही वो रुक जाएगा तो आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर जो क्वाइटनेस आएगी, जो साइलेंस आएगा, उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे, क्या टिप्स हैं, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या सर जी, कैसे मैं you. उसको बताऊंगा. ये बड़े एफर्ट किए आपने उस टाइम पे ना, और जैसे भी था विदाउट केयर की भाई क्या उसका इम्पैक्ट होगा क्या नहीं, बड़ा टाइम लगाया. थैंक यू उसके लिए. नेक्स्ट वीडियो. और सर अभी फिर माइंड की जो पावर है उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे उससे आउटपुट लें, ये भी 6 ईयर्स ओल्ड जो है वीडियो है. तो देखते हैं सर इसमें क्या बताना चाह रहे हैं अपने. किस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो बहुत ज्यादा ना सोच पाए. माइंड ज्यादा ना सोच पाए. अब इसका सेकंड पार्ट जिसके अंदर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा. एक पहले वीडियो दिखाई थी और एक ये अब. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट. ग्रेट सर, आप ग्रेट. एक्चुअली एवरीबॉडी नोज कि भाई सभी जान. नेक्स्ट वीडियो देखते हैं भाई. वाह, ये भी सेम प्लेस है. यहाँ पर बैठ करके मैं जो है वीडियो रिकॉर्ड करता था. और देखते हैं ये क्या, कभी आपने अपना फोटो या वीडियो डिसलाइक या डिलीट किया है तो वीडियो जरूर देखना. ये टाइटल दिया था कि सुनते हैं. मेनी टाइम्स व्हाट हैपन कि दे रिफ्यूज कि नहीं भाई मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगा या मेरा फोटो क्लिक मत करिए. कुछ लोग ये बड़ा अच्छा टॉपिक है. और अगर मुझे किसी काफी का साथ लगता है जब में मैं ये कभी कह बात दिया करता जाए हूँ कि बाहर चलो मैं आपका वीडियो कहीं बनाना हूँ सेमिनार वगैरह या इस आप तरीके कुछ से एक्शन करिए या कुछ बोलिए, गेस्ट लेक्चर तो इट इज देता वेरी हूँ. डिफिकल्ट टू से समथिंग कुछ तो भी. उस टाइम पे मैं ये बात जरूर बोलता हूँ कि कभी भी अगर आपने अपना फोटो क्लिक किया तो उसको डिलीट मत करें, उसको एक्सेप्ट करें. स्टाइल. और इसमें सर कुछ बोल रहे हैं जो बहुत धीरे धीरे से बोल रहे हैं. डोंट वेस्ट टाइम इन कंप्लेनिंग. A level of commitment on your part. You cannot be happy by chance or accidentally. It needs some work. Sir, कुछ पढ़ करके बोल रहे हैं. Rather than making excuses or complaining. Very nice, sir. और next video. स्टूडेंट की लाइफ में 3 फैक्टर इम्पोर्टेंट. बड़ा फोकस करते थे सर अपने टाइम पे जो है ना, कि स्टूडेंट की जो लाइफ है, स्टूडेंट जो लाइफ है उसको कैसे और अच्छा किया जा सकता है. क्योंकि सर की जो लाइफ है वो स्टूडेंट लाइफ वो विदाउट मेंटरशिप गई है. तो उनको लगता था कि भाई अगर कोई मेंटर उनको मिल जाता तो बहुत अच्छा होता था. तो उसी परिप्रेक्ष में ये वीडियो बनाता रहा. और ये जो जगह है ये मेरे घर के पास की थी उस टाइम. अब तो खेत की जगह चारों तरफ बिल्डिंग से बिल्डिंग. तो इन्हीं 3 पॉइंट्स पर आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ. जब भी टाइम मिलता था. तो पहला पॉइंट जब हाउस लाइफ की बात करते हैं, होम लाइफ की तो बात करते वीडियो, हैं कैमरा लगाया तो और घर के अंदर हाउस के अंदर. नेक्स्ट वीडियो देखते स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक और नया सगुफा मैं कहूँगा, एक और विद नए स्टाइल के साथ में. और अगर आप कंपेयर करें ना, मैं भी खुद देख रहा हूँ कि इस वीडियो में ये यहाँ काफ़ी मतलब हेल्दी मैं लग रहा हूँ. और आज की डेट में तो मुझको लगता है मैं उससे हाफ हो चुका हूँ. और बिल्कुल मतलब चश्मा भी अगर मैं कहूँ तो चश्मा भी हाफ हो चुका है पहले के टाइम से और अब मैं. तो बड़ा चेंज आ चुका है. तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो. ये भी अलग स्टाइल के साथ में एक्सपेरिमेंट था. ये 5 ईयर्स बैक, ये 5 साल पुरानी है वीडियो. ये भी
और जीवन में स्कूली शिक्षा का महत्व तो क्या है क्या नहीं है उसी से रिलेटेड एक एक बच्चा पारिवारिक परिवेश से समाज में विलय इसमें दूसरा माइक इस्तेमाल किया है तो उसकी इको प्रॉब्लम आ रही है। और ये है 5 इयर्स ओल्ड, तो बच्चों के लिए 5 प्रेरणा सूत्र, उसके बारे में सर बोल रहे हैं। चिल्ड्रंस जो बिलोंग करते हैं विलेजेस को, गांव को जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो में तो एक्चुअली हम लोग छोटे से टाउन से बिलोंग करते हैं और वहाँ से जो प्रॉब्लम रही वो किसी और के साथ ना हो, तो ज़्यादातर इसी बात पे फोकस रहा और इसी बात को लेकर के वीडियो बनाता रहा। और एक नए और स्टाइल निकाल YouTube पर वीडियो एक्चुअली क्रिएट करते करते कई चीज़ों का इंटरेस्ट तो पहले से ही था, लेकिन अभी ये कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि वो चीज़ आपके साथ में मैं शेयर करूँ। ये जो वीडियो है ये 5 साल पुराना है और अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ये वही जगह है। अभी मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे ये वाइट कलर का जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड जो है जो चमक रहा है जो अभी वीडियो में भी दिख रहा है, तो ये सेम प्लेस है। और बैकग्राउंड से भी आप देख सकते हैं मेरी बैकग्राउंड और जहाँ बोर्ड लगा है उसकी ये बैकग्राउंड वो सेम है। तो यहाँ जो प्लेस है वो आज की ये जो है चेहरा है और ये 5 साल पुराना जो चेहरा है, ठीक है, ये हम दोनों ही हैं, आप इसको देखते रहे कि ये कितना बदलता है वक्त के साथ में और कितना इसको बदल दिया जाता है, ये भी है। और एक और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। जी, और इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ वो ये था कि भाई एक्चुअली मैक्सिमम टाइम जो है ना स्टूडेंट्स पे ही फोकस किया, तो रूममेट जो ना अपने हॉस्टल में जो है ना एक रूम के अंदर दो फ्रेंड्स अगर रह रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड रूममेट को छोड़ के दूसरे रूममेट के साथ में मैक्सिमम टाइम, ऐसा लगता है, ये मुझको लगता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ठीक हो लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन था कि वो अपना रूम का फ्रेंड छोड़ के दूसरे रूम को जो है ना उसमें जाके टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे फ्रेंड ढूंढते हैं। तो उस बारे में थी, क्या बोलते हैं सर, थोड़ा सा सुन लिया जाए। प्रॉब्लम फेस करते हैं हॉस्टल लाइफ के अंदर, जैसे कि नंबर 1 कि क्या रूममेट उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया है, तो वो हर टाइम परेशान रहेंगे। और अगर बाय द वे आपका हॉस्टल वार्डन या इंचार्ज, तो ये प्रॉब्लम रहती है जब हॉस्टल लाइफ को ज्वाइन करते हैं बच्चे, तो खैर अभी तो मैं इससे बाहर हूँ बहुत, तो ये है नेक्स्ट वीडियो। और इस ये वीडियो जो है ये भी 5 साल पुराना है और इसमें भी मेरा टाइटल ये था कि बच्चों को क्या करना चाहिए एग्ज़ाम में और क्या नहीं करना थोड़ा चाहिए। सा अगर आइडिया उनको हो जाएगा बच्चा लोगों को तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, ओवर अटेम्प्ट। समटाइम्स व्हाट हैपन कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बच्चा जब किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, डांस करना मुझको अच्छा लगता है, डांस तो नहीं मैं उसको बोलता हूँ लेकिन जैसा भी करता हूँ मैं उसको एंजॉय करता हूँ। ये फिर एक इंटरव्यू लेते हुए, इंटरव्यू तो मैं क्या कहूँ लेकिन ये था कि मुझको डिस्कशन अच्छा लगता है बच्चों के साथ में और कोई भी ऐसा जहाँ पे एक थॉट शेयरिंग हो सकती हो, तो ये उससे रिलेटेड था वीडियो। और इस वीडियो में मिस्टर विजय सेन जो रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर रहे हैं हिमाचल से, तो उनके साथ में वीडियो किया था एक इंटरव्यू, बच्चा लोगों के साथ में ग्रुप डिस्कशन। और आई डोंट नो कि ये जो चेहरा है ये चेहरा और जो आज के चेहरे में है आप खुद महसूस कर सकते हैं कि कितनी समानता और कितनी असमानताएं हैं, लेकिन काफ़ी मैं चेंज महसूस करता हूँ खुद अपने आप से ही।
और ये है 3 साल पुरानी वीडियो, जिसमें सर जो है, क्योंकि इंटरेस्ट रखते हैं काफ़ी चीज़ों का, इधर का उधर का, बड़े हाथ पैर मारते रहते हैं, माइंड को एक जगह फोकस नहीं किया कभी भी। और तो इसमें वास्तु के बारे में बात करते हैं, देखते हैं साहब ये क्या बात कर रहे वस्तु हैं। है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है अगर आप घर के बाहर रुकते हैं। तो इस टाइम जो है हम लोग सभी जो हैं अपने घर के अंदर रुके हुए हैं, तो घर के अंदर जो ओरिएंटेशन है आपके बैठने का। ये कोविड के टाइम की वीडियो थी, जिसमें ये वीडियो बना रहा हूँ कि वास्तु का बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ सकता है। और ये जो वीडियो है ये 4 महीने पुराना है, और इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, अपने जो अनुभव है उनसे हम लोग क्या YouTube वीडियो सीखते हैं। चैनल पर एक्चुअली मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता रहा हूँ, क्योंकि लाइफ जो हाँ, लाइफ तो जो है ना एक्चुअल में टीचर है, वो ही हम लोगों को ज़्यादा सिखाती है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो, और ये मेरी 1 महीना पुरानी वीडियो है कि सफलता के लिए क्या ज़रूरी है, किस्मत, मेहनत या ईश्वर। तो मैं कैसे जस्टिफाई कर रहा हूँ कि भाई सफलता के लिए पहले क्या ज़रूरी है, और सफलता किस एंगल से देखते हैं। क्या मतलब है ये मैं पहले क्लियर करूंगा। तो आपको जो इस राय को रखते हैं कि क्रम जरूरी है, मेहनत जरूरी है, वो उस चीज को समझ जाएंगे। तो किस परिपेक्ष में मैंने जो कहा, तो यहाँ जो है, अब मैं अपने जो वर्तमान का स्वरूप है वो आपके साथ में हूँ। आज जो अभी ये 30th जो है वो सितंबर है, और ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, 1 month ही है, ऑलमोस्ट 1 month भी नहीं हुआ है। हाँ, 1 month ओल्ड जो है ये वीडियो है। तो मेरा, मैं जो महसूस करता हूँ कि जो रूपांतरण हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा रूपांतरण खुद मैं महसूस करता हूँ, और अब जो है मैं पहले से काफ़ी रिलैक्स, काफ़ी ओपन, काफ़ी एक्सप्रेसिव, और मतलब चलो चेहरे का और शरीर का तो कोई मोल भाव नहीं है, और वो कैसा दिखता है कैसा नहीं, ये मैं पहले भी नहीं ज़्यादा इसको रखा और अभी भी नहीं रखा हूँ। लेकिन अब मैं जो महसूस करता हूँ, और जो पहले 7 और 8 ईयर्स जो ओल्ड वीडियोस हैं, वो ड्रास्टिक डिफरेंस है। दैट मीन्स कि वो फीलिंग्स जो है आप देख सकते हैं इस वीडियो में और जो पुराने वीडियो है। तो ये मेरी पिछले 7 8 ईयर्स की सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कुछ वीडियो थी, जिसको मैंने समराइज किया। आई होप कि आपने भी इसको इंजॉय किया होगा। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम और आपका जो कनेक्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस जर्नी। जय हिंद, वंदे मातरम।